अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक हैं। और ये मैं लेके आई हूँ इफ्तार की वीडियो। इफ्तार पार्टी थी मेरे घर पे, डिनर नहीं था, जस्ट इफ्तार थी। उसके लिए काफ़ी सारी मैंने चीज़ें बनाई हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि डिनर जो है वो फिर इफ्तार में भी काफ़ी चीज़ें हों तो डिनर जो है नहीं खाया जाता, और मेरा दिल नहीं करता कि इफ्तार में एक दो चीज़ें बनाऊँ। सो मैंने सोचा इस दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जस्ट इफ्तार करते हैं। सो इट वेंट रियली वेल। और मैं आपको बताती हूँ कि अभी मैं बना रही हूँ रेड वेलवेट कुकीज़। इसमें मैंने लिया है मैदा, कोको पाउडर और विनेगर, और साथ में रेड फूड कलर, और एक चीज़ जो मैं दिखाना भूल गई हूँ वो मैंने इसमें डाला था, वेनिला। और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स वगैरह मैं सारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और बटर मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था, तो ये सब मैंने मिक्स कर दिया है। और इसको मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रखा था, तकरीबन आधा घंटा इस बैटर को फ्रिज में रख दिया था मैंने कवर करके, ताकि थोड़ा सा ये जो है वो हार्ड हो जाए, ताकि कुकीज़ फॉर्म हो सके, वरना काफ़ी सॉफ्ट होता है ये बैटर। तो इस तरह से मैं कुकीज़ कट आउट कर रही हूँ स्क्वायर शेप में, और कट आउट करने के बाद मैं इनको 10 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी, ताकि अच्छी तरह से ये फ्रीज़ हो जाए। उससे ये फ़ायदा होगा कि कुकीज़ जो है अपनी शेप होल्ड किए रखेंगे, बिल्कुल ऐसे फैल नहीं जाएंगे बेक करते हुए। वैसे तो ज़्यादा शेप ख़राब नहीं होती है क्योंकि इसके अंदर बेकिंग पाउडर नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये इसका साइज़ देख लें। इसकी थिकनेस जो है आई थिंक हाफ सेंटीमीटर है, और जितने नॉर्मली कुकीज़ आप खाते हैं वही इसका साइज़ है, और ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, फूलता नहीं है बिल्कुल ये कुकी, तो इस वजह से यही साइज़ रहेगा। अब ये देखें, ये अवन में रखते ही इसकी सरफेस शाइनी हो गई, इसका जो बटर है वो शाइन कर रहा है। इसका मतलब है कि बेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया, और जब बेकिंग कंप्लीट हो जाएगी, इसकी जो ड्यूरेशन है कितनी देर के लिए, कितनी टाइमिंग है, क्या टेम्परेचर है, वो मैं मेंशन कर दूंगी। ये देखें, जब बेकिंग कंप्लीट हो जाती है इसकी, तो ये फिर उस वक्त ये देखें बिल्कुल इनकी शाइन ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये टच करने में बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये देखें मैं फिंगर से प्रेस करूंगी इनको तो ये प्रेस हो जाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम कुकीज़ बनाना चाह रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि अभी आप इस रेसिपी को बिल्कुल फॉलो ना करें, क्योंकि कुकीज़ के लिए काफ़ी सारी टिप्स होती हैं, तो मैं आपको वो दूंगी और फिर आप कुकीज़ बनाने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। ये देखें, अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है कुकीज़ को। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो ये अपनी शेप जो है ये होल्ड कर लेंगे, और बहुत मज़े के हो जाएंगे, और फिर बिल्कुल भी इस तरह से प्रेस नहीं होंगे। अब यहाँ पे मैं वेनिला राइस पुडिंग बनाने लगी हूँ, और इसके लिए मैं बहुत जो राइस होते हैं इजिप्शियन राइस, जो बहुत मोटा ग्रेन होता है, वो यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने किरी ले ली है, क्रीम चीज़। अगर आपके पास किरी नहीं है तो आप कोई सी भी इसमें क्रीम चीज़ डाल सकते हैं, जैसे कि पक डाल सकते हैं, फिलेडेल्फिया डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो फ्रेश क्रीम डाल लें, लेकिन क्रीम चीज़ का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है पुडिंग में। और यहाँ पे मैंने दूध मेजर किया है, थोड़ा सा उसमें से ले लिया है और ब्लेंड कर लिया मैंने किरी को और क्रीम चीज़ को, और बस अब मैं राइस वॉश करूँगी। मैं आपको इसके ग्रेन्स दिखाऊँगी कि कितने थिक हैं। एक्चुअली इस पुडिंग में जैसे हम नॉर्मली खीर या फिरनी बनाते हैं, तो उसमें फिरनी में तो खैर पाउडर होता है और राइस का, लेकिन जो खीर होती है उसमें आपको पता है कि राइस टूट जाते हैं और हम उसे अच्छी तरह से पकाते हैं। इसमें राइस टूटेंगे नहीं, हर हर राइस इसमें मोटा सा थिक सा नज़र आएगा, और वही इस पुडिंग की आप कह लें खासियत है। खैर, इसमें मैंने जो है वो वेनिला भी डाल दिया, ये देखें ये इतने मोटे वाले राइस हैं। अगर लेकिन नहीं है तो आप नॉर्मल राइस यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं, सिर्फ ये कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा तो आप इंजॉय करेंगे। अब इसको मैं कुक कर रही हूँ, और जब ये मतलब थोड़ी ठीक हो जाए तो फिर इसमें आप चीनी डाल दें अपनी मर्ज़ी से, और ये देखें जब ये थिकनेस हो गई है तो फिर आप इसको बंद कर देंगे। अब मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन, और ये भी बहुत इजी रेसिपी है। इसमें मैंने पानी में शुगर डाल दिया, इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन में, और इलायची डाल दी थी। अब मैं मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और मिल्क पाउडर में डालूंगी, फिर उसके बाद इसमें जाएगा मैदा, और साथ में इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। इसको मैं छान लेती हूँ क्योंकि कोई लम्स वगैरह नहीं रह जाती। फिर उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और इसमें मैंने डाल लिया है ऑयल, कोई भी वेजिटेबल ऑयल, और फ्रेश क्रीम जो होती है, चाहे व्हिपिंग क्रीम है चाहे नॉर्मल कोई क्रीम है आपके पास, वो आप डाल लें। कश्ता जो होती है यहाँ पे मिलती है, वो भी डाल सकते हैं। बस अब इसको मैंने इसमें एग डाल दिया, और इसकी मैं अच्छी तरह से मिक्सिंग कर रही हूँ। अब इसके एक ही साइज़ के बॉल्स बनाने हैं आपने, और उसकी वजह से मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है,
जल्दी जल्दी आपने शेप करने हैं, और मेक श्योर कि इसके ऊपर किसी किस्म की कोई भी क्या कहना चाहिए कि बिल्कुल प्लेन होने चाहिए, कोई कट नज़र नहीं आना चाहिए। अब मीडियम से फ्लेम पे, मीडियम से ऑयल में मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, और ये साइज़ में डबल हो जाने चाहिए। अगर साइज़ डबल नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि आपने बहुत तेज़ आग रखी और जल्दी से ब्राउन हो गए। काफ़ी टाइम इनको लगता है, बहुत हल्की आग करेंगे तो हार्ड हो जाएंगे। सो जस्ट मीडियम फ्लेम रखें और इनको फ्राई करते जाएँ, और उतनी देर में ये देखेंगे बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुंच गए। एक बॉयल आया था, मैंने चूल्हा हल्का कर दिया था। ये चाशनी आपने पका के थिक नहीं करनी है, आप देखें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी की तरह ही लग रही है। फ्राई करने के बाद आप इसमें फ़ौरन डाल दें, और चाशनी का मैंने चूल्हा बंद किया हुआ है, उसका फ्लेम ऑफ है, और बस इस तरह से मिक्स करके और आप इसको ढक्कन दे के 15 मिनट के लिए सिर्फ रख देंगे, और उसके बाद आप इसे ट्रांसफ़र कर लें बोल में। यहाँ पे मैं डिनर रोल्स बना रही हूँ, और इसमें मैंने मैदा लेके सॉल्ट और इसमें यीस्ट डाल ली है, और बस इसको अब मैं प्रिपेयर करूँगी। डिनर रोल्स घर पे बनाने का बिल्कुल प्लान नहीं था, लेकिन मुझे मिले नहीं हैं तो मैंने इस वजह से बनाए। अब ये नीम गर्म पानी है, ना ज़्यादा गर्म है ना ठंडा है, बिल्कुल नीम गर्म है। उसमें मैंने ऑयल डाला है और हनी डाली है, इसको मिक्स कर लूँगी, और बस मैं फिर डो बना लूँगी, और उसको मैं 10 मिनट के लिए, घड़ी से टाइम देख के 10 मिनट के लिए उसको आपने नीड करते जाना है, उसको घूमते जाना है। उस टाइम तक मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपको कोई भी रेसिपी डिफ़िकल्ट लग रही है या उसमें पॉइंट्स क्लियर नहीं हैं, तो जस्ट इस वीडियो को एंजॉय करें। आपको पता है मैं आपको बेस्ट रेसिपीज़ देती हूँ, लेकिन अपने इंग्रेडिएंट्स वेस्ट करने से बेटर है कि आप वेट कर लें और मुझे रिक्वेस्ट बता दें अपनी, और मैं इंशाल्लाह आपको ईद के बाद वन बाय वन रेसिपीज़ सिखाती जाऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है गुलाब जामुन वगैरह उसमें काफ़ी टिप्स अभी रहती हैं, मैं आपको डिटेल में समझाना चाहती हूँ, लेकिन जस्ट जो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं वो बना लें, लेकिन जो जो छोटी छोटी बच्चियाँ अभी सीख रही हैं मेरे से वो अभी ना ट्राई करें। ये देखें 10 मिनट्स तक इसको मैंने अच्छी तरह नीड किया है, तो कितनी ये स्मूद हो गई है। और अब इसको बस मैंने एक बोल लेके उसमें मैंने ऑयल लगा दिया है, और कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप नॉर्मली लगा सकते हैं, और इसको मैंने रख दिया, और इसके ऊपर भी ऑयल अप्लाई करके इसको कवर करके मैं अवन में, माइक्रोवेव में, कोई भी वार्म जगह आपके पास है तो उसमें रखते हैं। बस आपने इसको जो है ना ठंडी जगह पे नहीं रखना। तो ये साइज़ में डबल हो जाएगी, और 1 घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया है। अब मैं आपको, आप सब पूछते थे कि ओरियो जो है वो हलाल नहीं है, मुझे भी बाद में पता चला वीडियो अपलोड करने के बाद, थैंक यू सो मच इन्फॉर्म करने के लिए। और मैं उस वजह से आपके लिए अल्टरनेट ट्रफल्स लेके आई हूँ, और कोई से भी आप क्रीम रोल ले लें और बस उनको मिक्स कर लें, तो ये देखें डो बन जाती है आपकी। और ट्रफल्स इटसेल्फ इतने मज़े के होते हैं, जिस तरह के भी बना लें, जो भी बना लें, ट्रफल्स हमेशा अच्छे ही बनते हैं। अब इनको भी मैंने बॉल की फॉर्म में शेप कर लिया है, और इनको भी मैं चॉकलेट में डिप करूंगी। इसमें जो मैं आपको डिजर्ट्स दिखा रही हूँ, ये आप ईद के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास मिल्क चॉकलेट है, चाहें तो डार्क चॉकलेट ले लें। लेकिन सबसे पहले मैं अपने जो कुकीज़ मैंने बनाए थे उनको मैंने क्रम्बल कर लिया है। अब देखें जब ये ठंडे हुए हैं तो बिल्कुल नॉर्मल कुकीज़ की फॉर्म में आ गए हैं, और इनको मैंने चॉकलेट अप्लाई किया, थोड़ा सा मैंने कुकी का पाउडर जो बनाया था वो मैंने इनके ऊपर डाल लिया। कुकीज़ मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में सिखाऊंगी, और कुकीज़ बनाना इतना मज़े का काम है, और बच्चे इसको इतना एंजॉय करते हैं, और सिखाऊंगी मैं आपको इंशाल्लाह, डोंट वरी। अब ये मैंने मिल्क चॉकलेट में वाइट चॉकलेट डाल के हल्की सी मिक्सिंग की है, क्योंकि मैं अपने ट्रफल्स के ऊपर इस दफ़ा मार्बल इफेक्ट देना चाह रही हूँ। ये देखें अंदर डिप किया मैंने और निकाल लिया, तो इस तरह से मार्बल इफेक्ट आता है। ज़्यादा मिक्सिंग चॉकलेट्स की कर देंगे फिर इफेक्ट नहीं आएगा, और कुछ चॉकलेट पे ये मार्बल इफेक्ट है कुछ के ऊपर, और ये मेरे पास जो है ना सिल्वर कलर के बीड्स पड़े हुए थे, एडिबल बीड्स, तो वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए। और कुछ जो चॉकलेट ट्रफल्स हैं उनको मैंने चॉकलेट में डिप करके, और उनके ऊपर नॉर्मल से कोई से भी आप बिस्किट्स ले लें, मैंने डाइजेस्टिव बिस्किट्स लिए हैं, और उनको कोट करके रखते हैं, तो ये आपका हो गया डन। अब ये देखें डिनर रोल्स के लिए डो रेडी हो गई है, और इसको मैंने फ्लैट कर लिया है, इसकी एयर सारे बबल्स, और इसको मैंने बस इस तरह से कट कर लेना है। जिसमें मैंने बेक करना है उस ट्रे को मैंने ऑयल कर लिया अच्छे से, और ये देखें इसको एक ही साइज के रखने के लिए मैं इसको इस तरह से कट कर रही हूँ। जिस वक्त आप इनको डिनर रोल की फॉर्म में, यानी कि छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे, उस वक्त आपने इनको ज़्यादा जो है वो पेड़े की तरह, आपने क्या कहते हैं कि
घुमाना नहीं है, बस इसको देखें आप किस तरह से मैं कर रही हूँ कि बस इसको रोल करके नीचे से मैं फोल्ड कर रही हूँ। और वो तो मैंने रख दिए थे, अब ये गार्लिक नॉट्स भी बना रही हूँ, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है और वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये भी रेडी हैं, ये देखें। अब इनको मैंने बॉल की फॉर्म में शेप करके और पेड़े बना के, तो मैंने इनको मज़ीद आधे घंटे के लिए रख दिया था। और अब उसके ऊपर मैं एग लगा रही हूँ, और थोड़े से मेरे पास सेसमी सीड्स पड़े थे, वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। रेसिपी बहुत इजी है। डो आपने बनाई, नीट की, उसको घंटा रख दिया, फिर आपने बॉल बना लिए, पेड़े बना लिए, फिर आधा घंटा रख दिया, और उसके बाद जो है बस फिर आप इसको बेक करेंगे। ये देखें, ये बेक हो गए हैं, गार्लिक नॉट्स ऑलरेडी बेक होकर ऊपर पड़ी हुई हैं, और ये भी बेक हो गए हैं। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। रेसिपीज सारी इजी होती हैं, सिर्फ टाइम की बात होती है। टाइम मिल जाए तो घर पे बनाने में मज़ा आता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पुडिंग स्क्वायर्स, और टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं ले आई थी साशे, और मैं आपको किसी दिन एग से जो होती है पुडिंग वो भी बना के दिखाऊंगी, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। यहाँ पे मैंने दो साशे ले लिए हैं, और उसमें जितना मिल्क लिखा हुआ है डायरेक्शंस में उससे थोड़ा कम लिया है, और इसको मैं पकाऊंगी, क्योंकि नॉर्मली पुडिंग हम बोल में डाल के बोल को इन्वर्ट कर लेते हैं किसी प्लेट पे, यहाँ पे मैं पुडिंग को स्क्वायर्स में काटूंगी, इस वजह से मैंने दूध कम लिया ताकि वो ज़रा थोड़े से हार्ड स्क्वायर्स बने। तो ये होगी रेडी, बोल में भी मैंने डाल दी, कंटेनर में मैंने डाल दिया है। और ये बन रही है फ्रूट चाट, इसमें थोड़ा सा मैंने डाल लिया है लेमन और मैंगो जूस, चीनी। जब आपके घर गेस्ट आ रहे होते हैं तो फिर जो है वो आप हनी या इस तरह की चीज़ें या मिनिमम चीज़ें डाल के तो वो लेस टेस्टी चीज़ें नहीं बना सकते, टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। खैर, उसमें मैंने चाट मसाला, नमक वगैरह डाल के सारा मिक्स कर दिया था। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मीट बॉल्स, इसकी रेसिपी मैं आपको नहीं दूंगी अभी, क्योंकि ये बहुत ही मज़े के हैं और बहुत अच्छी रेसिपी है, और मैं चाहती हूँ कि इसको मैं अलहदा से अपनी किसी दिन ईद के बाद मैं घर में खाने पे बनाऊँ इनको, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। आप इतना इन्जॉय करेंगे इस फूड को, इस वजह से अभी सिर्फ इसको देखें, इसके इंग्रेडिएंट्स बस देख लें और इन्जॉय करें। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मैंने डाली हैं, बस ये चिली फ्लेक्स मुझे ऐड करने पड़े थे क्योंकि मैं इनको स्नैक्स के तौर पे बना रही हूँ, वरना रेसिपी में चिली फ्लेक्स नहीं थे। खैर, बाकी अंडा, ब्रेड क्रम्स, मिल्क और ब्लैक पेपर पाउडर, सोया सॉस, जिंजर, गार्लिक, सॉल्ट, इस तरह की चीज़ें, और अब इसको मिक्स करके मैं रख दूंगी, तो फिर वो जो ब्रेड क्रम्स हैं वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे, और ये बॉल जो बनाऊंगी मैं मीट बॉल्स, ये शेप हो जाएंगे। अभी मैंने ले लिया है ये चिकन के क्यूब्स, और स्पाइसी चिकन बाइट्स बनाने लगी हूँ मैं। इसमें मैं डाल रही हूँ सॉल्ट, इसके भी इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाएंगे, और इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी स्पाइसी बनते हैं, और मैंने डाली है ब्लैक पेपर। मैं क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ आपको, मैं जो स्टैंडर्ड सी क्वांटिटी होती है उसका बताऊँगी इंग्रेडिएंट्स में। और ये डाली है मैंने वाइट पेपर, चिली सॉस, एंड सोया सॉस। और बस मैं इसे मिक्स करके रख दूंगी 15 मिनट्स के लिए मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में। और ये है फिश, और इसको सिंपल मैंने फिश टिक्का मसाला लगाया है, और जो उसकी इंस्ट्रक्शंस थी वही फॉलो की हैं, और बस इसको मैंने बेक होने के लिए रख दिया था। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बेक कर ली थी, मुझे आसानी हो गई थी कि मुझे उनको चेक नहीं करना पड़ा और इतने देर चूल्हे पर खड़ा नहीं होना पड़ा। और ये मीट बॉल्स हैं, ये मेरे पास पाइपिंग बैग पड़ा हुआ था, तो मैंने इसमें रख के जल्दी से शेप कर ली है। और इस तरह से बनाने के बाद मैं अपने हाथ थोड़े से गीले करके पानी लगा के उन पे, तो मैं ये जो इनका टॉप है इसको भी शेप दे दूंगी, तो फिर ये ज़रा राउंड से हो जाएंगे। यहाँ चूंकि मैंने इन्हें स्नैक्स के तौर पे प्रेजेंट करना था, तो मैंने इनको बेक कर लिया और इनके ऊपर सॉस लगा दूंगी। और लेकिन आपको जो मैं सिखाऊंगी प्रॉपर, हम मीट बॉल्स बना के उनको फ्राई करेंगे, और इनको बेसिकली राइस वगैरह के साथ यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जब रेसिपी सिखाऊंगी तो इस रेसिपी का लिंक भी ऐड कर दूंगी कि अगर आप स्नैक्स के तौर पर यूज़ करना चाहें तो उसका फिर ये मेथड है।
खैर अभी ये मैं बना रही हूँ चिकन जो है मैंने बॉईल कर लिया था। किसने पूछा था फ्रोजन चिकन लेके बॉईल करती हूँ। यस फ्रोजन चिकन बॉईल किया है और उसमें मैंने डाल दिया है कैरेट और कैबेज और इसमें डाल रही हूँ साथ में एप्पल्स। और वीडियो देख के मुझे ख्याल आ रहा है कि इसमें जो है क्यूकम्बर तो मिस हो गया। खैर इसमें मैंने डाल दिया है मेयो और साथ में मैं डाल रही हूँ क्रीम चीज़ पेस्ट। सॉस जो होती है नॉर्मल कोई सा भी क्रीम चीज़ डाल सकते हैं, आप इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं। और ये हुआ था थोड़ा सा एक्सीडेंट। और इसमें मैंने क्रीम डाली है, सॉल्ट डाला है, पेपर डाला है और बस इसको अब मैं डिनर रोल्स, देखें कितने अच्छे और सॉफ्ट बने हैं। डिनर रोल्स में मैं इनको फिल कर दूंगी और थोड़ी सी मैं लेटस रख दूंगी और बस ये डन है। काम का जब जब रश बढ़ता जा रहा था मेरा, शेल्फ जो है वो चीज़ें जो है मैरिनेट कर करके फ्रिज में भी अब जगह नहीं थी और सब कुछ शेल्फ पे इकट्ठा हो रहा था। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ द मेस। काफ़ी सारी डिशेस बना रही थी तो जाहिर है कुछ तो फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स नज़र आने। अब ये जो बना रही हूँ मैं फ़िश मैंने मैरिनेट की थी और इसको मैं इसी तरह ट्रे पे रख रही हूँ और इसको भी मैं बेक कर लूँगी। बेकिंग में ये फ़ायदा होता है कि एक तो ऑयल कम यूज़ होता है, दूसरा आपको चूल्हे पे खड़े नहीं होना पड़ता और डेडिकेटेड टाइम नहीं देना पड़ता किसी एक रेसिपी को। यहाँ मैंने चिली ले ली है और उसको मैंने स्लिट करके डीसीड कर लिया हुआ है और वॉश करने के बाद ड्राई भी किया था, याद से ड्राई कर लीजिएगा। और उसके अंदर मैंने मोजरेला जो है उसको फिल कर रही हूँ। मोजरेला में मैंने सिर्फ ऑरेगनो मिक्स किया क्योंकि सॉल्ट ऑलरेडी होता है। और इसके बाद मैं इसको मैदा में कोट करूंगी, फिर अंडे में कोट करूंगी और फिर ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। मैंने टूथपिक्स लगा के देखा था कि कहीं ऑयल में जो है ये एकदम से खुल ना जाए, लेकिन नहीं खुल रही थी तो फिर मुझे टूथपिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस तरह से मैंने फ्राई कर लिया और यही मेथड मैं यूज़ करूंगी स्पाइसी चिकन बाइट्स के लिए। पहले अंडे में कोट करूँ, मैदे में कोट करूंगी, फिर अंडा लगाऊंगी और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करके फ्राई कर लूंगी। तो ये बहुत अच्छी सी कोटिंग बन जाती है। और ये देखें ये भी रेडी हो गए हैं। इन सबको मैं निकाल लूंगी ऑयल इनका ताकि अच्छी तरह से स्ट्रेन हो जाए। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं चिकन विंग्स विद स्किन और इनको मैं कॉर्नफ्लावर में अच्छी तरह से कोट कर रही हूँ और इनको मैं 15-20 मिनट के लिए इसी तरह रख दूंगी वायर रैक पे, ताकि अगर वायर रैक पे नहीं रखूँ किसी प्लेट में या ट्रे में रखूँगी तो वो फिर नीचे से तो स्टिकी हो जाएंगे। तो मेरा मकसद है कि हर तरफ उनके इसी तरह से कोटिंग लगी रहे। और ये है मेरी वेनिला रिजोटो पुडिंग और ये रेडी है। और इसके ऊपर मैंने स्ट्रॉबेरी जैम लेके उसको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया था और मैंने पाइपिंग बैग में डाल के तो उससे ये डेकोरेशन कर लिया। और अब एक और क्रीम चीज़ मैं रख रही हूँ उसके ऊपर स्क्वायर, और इसके ऊपर भी मैंने ये जैम लगा दिया है। ये हो गई है रेडी। और अब ये पुडिंग स्क्वायर्स हैं, ये देखें नॉर्मल पुडिंग से थोड़ी सी हार्ड है ताकि जो स्क्वायर्स हैं वो अपनी शेप मेंटेन रख सकें। मैं आपको बोल में डाल के दिखाती हूँ, ये देखें इनको किसी डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं होती, डिश आउट करने पे इटसेल्फ इतने क्यूट लगते हैं ये। अब मैंने फ़िश भी निकाल ली थी, बेकिंग मतलब बेक हो गई थी और इसको भी मैंने डिश में रख दिया है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा और कॉर्नफ्लावर और आखिरी मैदा था मेरे पास, इसमें मैं डाल रही हूँ पेपरिका पाउडर और फिर गार्लिक पाउडर। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाएंगे। और ये मैंने डाला है सॉल्ट और साथ में ब्लैक पेपर पाउडर और ये साथ में मैंने डाला है इसमें बेकिंग पाउडर। मैं काफ़ी ज़्यादा बैटर बना रही हूँ इस वजह से मैंने ज़्यादा डाला है। आपको मिल जाएंगे इंग्रेडिएंट्स और इसमें मैंने पानी डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और अब उसके बाद मैं इसको मीडियम से फ्लेम पे फ्राई करूंगी इस तरह से कि इसकी जो बोन्स हैं वो भी सारी पक जाएं। ऐसा नहीं है कि बोन्स जो हैं वो कच्ची रह जाएं या जो कार्टिलेज वाला पोर्शन होता है वो हार्ड होगा, तो इसका मतलब है कि आपका मीट ठीक से ये आपने नहीं पकाया। तो इसको बड़े ध्यान से आप पकाएं। और ये देखें फ्राई होके मैं करके निकाल रही हूँ इनको। यहाँ पे ये है कि मेरी कोटिंग जो है ना थोड़ी सी थिन हो गई थी और मेरे पास और मैदा नहीं था तो मैं उसको थिक नहीं कर पाई हूँ। आप जब अगर ये बनाएंगे तो थोड़ी सी कोटिंग थिक रखें, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखनी लेकिन थोड़ी सी। तो फिर ये जो थोड़े थोड़े आपको चिकन नज़र आ रहे हैं अंदर से ये नज़र नहीं आएगा, प्रॉपर आपकी कोटिंग हो जाएगी। लेकिन खैर अगर ये था तो ये भी अच्छा रहा है और सबने पसंद किया था। लेकिन आपको पता है मुझे ज़रा थोड़ा सा परफेक्शन का शौक है तो फिर ज़रा मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती हूँ मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए। तो यहाँ पे मैंने बफेलो सॉस ली है और उसको लेके मैंने जो है वो विंग्स पे लगा दिया और बस ये डन है।
वायर रैक पे रखती हूँ, उस वजह से क्रंचीनेस जो है वो चीज़ों की रहती है। अगर इसको किसी प्लेट में या ट्रे में टिश्यू के ऊपर रख दें तो चीज़ें सॉफ्ट होने लग जाती हैं, फ्राइड फूड। और बफलो सॉस अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई सी भी अपनी मर्जी की सॉस स्पाइसी वाली अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको किसी दिन बफलो सॉस की होममेड रेसिपी भी सिखाऊंगी। और बनाने तो मैंने ड्रम स्टिक्स भी थी और वो बहुत मज़े की बनी थी, लेकिन शहजाद जो है वो लानी भूल गए तो वो एक रेसिपी बीच में मिस हो गई थी। खैर, ये है मेरी इफ्तार टेबल। आई विश मेरे पास इतना टाइम बचता कि मैं इस टेबल को थोड़ा सा डेकोरेट करती कैंडल्स के साथ, फ्लावर्स के साथ, लेकिन सिंगल हैंडेडली करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ गर्मा गर्म था, टाइम पे रेडी हो गया था। ड्रिंक्स में वही आमंड मिल्क शेक था और ऑरेंज जूस था, रोज़ा खोलने के लिए खजूरें थी, और इनको भी मैंने चॉकलेट में कोट करना था, थोड़ा सा पिस्ते लगाने, लेकिन टाइम नहीं था। अब ये चीज़ों के नाम मैं आपको इस पे लिख के बता रही हूँ, वो आप देख लीजिएगा। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मज़ा आया, आपने मेरे साथ सारी कुकिंग देखी है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर द अप्रिसिएशन, और इंशाल्लाह मैं आपको ये सब चीज़ें भी सिखाऊंगी। और थैंक यू मेरी रेसिपीज़ ट्राई करने के लिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें। और आखिरी अशरा है, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपकी भी सब दुआएं कबूल करें। और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि ईद की डिज़र्ट्स की एक रेसिपी मैं अपलोड कर दूँ, उसके अलावा बाकी रेसिपीज़ की कोई मुझे श्योरिटी नहीं है। तो चलें, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।